हेलो वेलकम बैक गाइस, वेलकम ऑन द कार गेट। फिर से सारा गेटों के नाम से इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। आगे की स्पेसिफिकेशन बताने के लिए हमारे साथ हैं बैनर्जी सर, और चलते हैं मैनेज स्टोन की तरफ। आगे के फ्यूचर जानते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से पैसेंजर ई रिक्शा लेकर के आएँ, जो कि हैदराबाद और हरियाणा में जिसका असेंबली प्लांट अभी मौजूद है। और इसके स्पेसिफिकेशन बताने के लिए, इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताने के लिए हमारे साथ बैनर्जी सर हैं। तो सर, क्या स्पेसिफिकेशन है इसके और क्या चार्जिंग? बेसिकली ये जो पहले तो थोड़े बहुत मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। सायरा केटो ईवी प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी, अभी हाल ही के दिनों में एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप हुआ है, जिसमें सायरा इलेक्ट्रिक ऑटो इज वन ऑफ द पार्टनर्स एंड केटो मोटर्स इज अनदर पार्टनर। ये कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हम हाई स्पीड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च कर रहे हैं। एक पैसेंजर सेगमेंट का गाड़ी आप देख रहे हैं, जो एक पैसेंजर क्रूजर है, ये कन्वेंशनल ऑटो से बिल्कुल ही अलग है। जो सिटी राइड के लिए, तो सिटी पैसेंजर्स के लिए तो उनमें यूज होगी ये। हाँ जी, ये कन्वेंशनल ऑटो जो डिजाइन आप देख रहे हैं, जो 30-40 साल से उसी टाइप के जो ऑटो बने हुए हैं, उससे एकदम अलग डिजाइन की ये गाड़ी है। यूरोपियन डिजाइन प्लेटफॉर्म पे ये बनाया गया है। BYD इलेक्ट्रिक ऑटो जो एक कंपनी है, हाँ, जो दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, उससे हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बनाया है। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बाकी फीचर्स की बात करूं, तो इसका जो व्हील बेस है 2350 का व्हील बेस है, काफी कॉम्पैक्ट सा इसका डिजाइन रखा गया है। जो लंबाई है इसकी, मतलब व्हील बेस जो गाड़ी की लंबाई है, वो सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट में। इतनी लंबी गाड़ी आपको कहीं दूसरी मिलेगी नहीं। जहाँ तक इसका टायर साइज का सवाल है, 13 इंच का टायर है। ज्यादातर कन्वेंशनल पैसेंजर ऑटो में 12 इंच या 11 इंच का टायर साइज दिखता है, तो उस मुकाबले में ये एक बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग है। इसके अलावा सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसमें हमने सीट बेल्ट प्रोवाइड किए हैं ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर्स के लिए। इसमें 10.75 किलोवाट की बैटरी है, जिसके जो आउटपुट देता है फुल चार्ज पे करीब 142 किलोमीटर्स का रेंज प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो बैटरी 1.5 घंटे में फुल चार्ज भी करके जो कस्टमर गाड़ी चलाएगा वो अपने आगे की जर्नी कवर कर सकता है। सर, एक क्वेश्चन था, ये कितने पैसेंजर के लिए अलाउ है? ये ड्राइवर प्लस 3 कैटेगरी है, तो यहाँ ड्राइवर सामने बैठेगा, पीछे तीन लोग इसमें पास हैं। ठीक है, अच्छा, चार्जिंग की बात आती है, कितनी देर में ये फुल चार्ज होती है? अगर फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तो 1.5 घंटे में फास्ट चार्जिंग होगी। अगर स्लो चार्जिंग कर रहे हैं, मान लीजिए घर पे चार्ज कर रहे हैं, तो 4 घंटे में फुल चार्ज होगी। और इसकी जो एक कैपेसिटी होगी, मतलब एवरेज होगी फुल चार्ज पे कितना? 142 विद लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? सर, अगर आप एवरेज इंडियन ह्यूमन का वेट पकड़ें, तो 70-75 किलो, 70-75 तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ड्राइवर प्लस फोर, हाँ, तो आराम से इजिली ये 140 किलोमीटर की रेंज दे देगी। अच्छा, एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो गया पैसेंजर वाला। अब दूसरे प्रोडक्ट में आपको वहाँ देख रहा हूँ एक लोडर है, तो हम थोड़ा उसकी तरफ चलेंगे। उसका नाम है बल्क ई स्पेस। ये जो है हमारा L5 कैटेगरी, मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो व्हीकल है जी। ये जो गाड़ी है, ये भी एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है। इन द सेंस इसका व्हील बेस 2660 mm का है, जो मार्केट में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो हाइट इसकी काफी है। ये जो आप कार्गो बॉडी देख रहे हैं, 170 क्यूबिक फीट कैपेसिटी की कार्गो बॉडी है जी। 550 किलो का वजन उठाने की क्षमता इसमें है। इसकी करीब 1.5 घंटे में हम फास्ट चार्जिंग में फुल गाड़ी चार्ज कर सकते हैं जी। इसकी रेंज 168 किलोमीटर की है फास्ट चार्जिंग, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर। तो जैसे वो पैसेंजर व्हीकल है और ये लोडर है, तो उसकी मोटर और इसकी मोटर में थोड़ा डिफरेंस तो होगा? दोनों में बैटरी 10.75 किलोमीटर की है, इसकी स्पीड 55 पे मैक्सिमम है, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, इसकी चार्जिंग में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चार्जिंग है? स्लो चार्जिंग में 5 घंटे इसको लगते हैं और फास्ट चार्जिंग में 1.5 घंटे। अच्छा, अभी अगर किसी कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कहीं पर अवेलेबल यहाँ नियर बाय दिल्ली? ये प्रोडक्ट जो है आज की तारीख में एक्सपेक्टेड है कि हमारे दिल्ली में जनवरी के एंड के पहले डीलरशिप में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, मेन चीज आती है ऑन रोड प्राइस इसका क्या है? इसका जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस करीब करीब 4.25 लाख का है। ये जो विद सब्सिडी
सब्सिडी कितनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है? सर मैं आपको सब्सिडी ही बता रहा हूँ, इस पे 4.25 का प्राइस। वैसे अगर टोटल राउंड फिगर बताएं तो वो डिटेल मैं आपको अभी नहीं। अच्छा, अभी डिक्लेयर नहीं है। और ये तो लोडर के प्राइस हो गया था। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट था आपका एक पैसेंजर्स वाला हाइलक्स के नाम से, उसका क्या प्राइस? शोरूम प्राइस 3.8 लाख। 3.8 लाख रुपीज। तो जनवरी के आसपास आपने बताया, अभी ये प्रोडक्ट फाइनल मतलब टेस्टिंग अप्रूवल्स और स्टेट अप्रूवल्स के प्रोसेस में है, तो जल्द से जल्द इसके डीलर नेटवर्क आपको सारी इंडिया में दिखाएंगे। तो थैंक यू बैनर्जी सर, थैंक यू सो मच। ये थी सायरा केटो के नाम से, जो कि जॉइंट पार्टनर मयूरी के साथ कंपनी आई है, न्यू स्टार्टअप हम जाने जा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। और ये एक लोडर व्हीकल है, जिसकी मतलब आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं उधर दूसरी तरफ है, उधर ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैंने अभी आपको एक मैं स्नैपशॉट में दिखा दूंगा, उसके अंदर जो है वो थ्री व्हीलर टाइप है, मतलब एक कॉम्पैक्ट थ्री व्हीलर है पैसेंजर्स टाइप के लिए। हालांकि गांव जैसे एरियो में या सिटी वाले एरियो में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कुछ इसके अंदर की फ्यूचर अगर मैं आपको बता दूं, तो कुछ इस तरह के इसके फ्यूचर हैं। ये डिस्प्ले है, मेरे पास अभी की नहीं है। ये सेंसर है यहाँ पर, जो कि रियर जब आप रिवर्स गियर डालेंगे तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा। और आगे फ्रंट पर इसके अंदर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है 5 वॉट का, 2.4 एम्पायर का। आगे वो इसके अंदर जो है वाइपर दिया गया है, यह इमरजेंसी ब्रेक दिए गए हैं, इमरजेंसी पुशअप दिया गया है। तो कुछ इस तरह का था ये बल्क ई स्पेस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।